subscribe my channel and be my best friend, and do hit the bell icon to stay notified about my latest videos and updates. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब। सो आज की मेरी जो वीडियो है वो अफोर्डेबल फाउंडेशन के बारे में है। यहाँ पे मेरे पास एक लोकल ब्रांड यानी कि पाकिस्तानी ब्रांड, यहाँ पे क्रिस्टीन का एक फाउंडेशन है और यहाँ पे एक फैसेट का मेरे पास फाउंडेशन है, ठीक है। एक छोटू सा मोटू सा है और एक पतला सा लंबा सा है, ठीक है। सो मैं आज आपको इन दोनों के बारे में बताऊँगी। अगर आप कोई अफोर्डेबल फाउंडेशन ढूँढ रहे हैं जो आप शादी में भी यूज़ कर सकें और रेगुलर बेसिस पर भी यूज़ कर सकें, ठीक है। सो ये वीडियो आज आपके लिए होने वाली है अगर आप अफोर्डेबल फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं। सो बने रहिए इस वीडियो में। सो मैं आज आपको इन फाउंडेशंस के बारे में बताऊंगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पहले अगर हम बात करें फैसेट की फाउंडेशन के बारे में, तो स्टे मेट वाटर प्रूफ, और ये वाटर प्रूफ फाउंडेशन है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो मेरा शेड नंबर है 27 है, 35 ml की ये बॉटल है और 12 मंथ जो है ये चलेगा, ठीक है। और उसके अंदर SPF 15 है, जबकि इसके अंदर SPF नहीं है, ठीक है। और ओवरऑल पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी है, ठीक है। मैट परफेक्शन HD फाउंडेशन है ये, ठीक है। अगर मैं और इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी भी कार्डबोर्ड है, इसकी भी कार्डबोर्ड है। क्रिस्टीन की ओवरऑल पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, मुझे बहुत पसंद है। मैट फिनिश है, ठीक है, ये भी मैट फिनिश है और ये भी मैट फिनिश है। सॉफ्ट एंड स्मूथ प्योर स्टे लिक्विड फाउंडेशन, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो RC196 लिखा हुआ है और इसका जो है नंबर है CN02, ठीक है। सो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है और मेरा शेड है Ivory 02, ठीक है। अगर अब हम इसकी अंदर की पैकेजिंग की बात करते हैं, वैसे तो इन दोनों का अलग अलग रिव्यू जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कोई लोकल फाउंडेशन जो है वो यानी कि कोई नॉर्मल अफोर्डेबल रेंज में जो है वो फाउंडेशन बाय करना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा फाउंडेशन जो है वो करना चाहिए बाय और कौन सा जो है वो ज़्यादा सही रहेगा जिसकी कवरेज अच्छी है। सो इसकी अंदर की पैकेजिंग इस तरीके की है, जबकि इसकी अंदर की जो पैकेजिंग है वो इस टाइप की है, ठीक है। ये इनके बॉक्सेस आ गए, ये इनके अंदर की दोनों की ग्लास बॉटल हैं, ये आप देख सकते हैं। इसकी भी ग्लास बोतल है और इसकी भी ग्लास बोतल है, और ऊपर का इसका जो कैप है ये प्लास्टिक का है वाइट कलर का, और ये पंप जो है इसका ये इस टाइप का ब्लैक कलर का है, लेकिन इसका पंप इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो है वो यानी कि एक बहुत थोड़ी क्वांटिटी निकलती है, एक लिहाज से अच्छा भी है। और ये जो क्रिस्टीन का है इसका पंप जो है वो बहुत मज़े का है, बहुत अच्छी एकदम से प्रोडक्ट जो है वो मज़े से निकल आती है इसमें से, ठीक है। सो ये इस टाइप का कुछ है, ठीक है। मैं आपको इसकी जो है वो बता भी दूँ, ये देखिए कितनी सारे प्रोडक्ट एकदम से जो है वो आ जाती है आराम से निकालने के बावजूद, और ये जो है वो कुछ इस टाइप का है, ये देखें, ठीक है। सो इस ये इसका जो है वो कलर कुछ इस तरीके का है, ये फैसेट का है और ये क्रिस्टीन का है, ठीक है। अगर मैं अपने उससे बात करूँ तो मैंने अपने हाफ फेस पे ये फैसेट का लगाया और अपने हाफ फेस पे क्रिस्टीन का। आप देख सकते हैं कि दोनों की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, रनी नहीं है, कुछ भी इधर से टसमस नहीं हो रहा है, ना क्रिस्टीन का ना फैसेट का। क्रिस्टीन का जो है वो थोड़ा येलोइश अंडर टून में है, जबकि फैसेट का थोड़ा सा पिंकिश टून में है, ठीक है। सो जब मैंने अपने हाफ़ फेस पे फैसेट का लगाया और हाफ़ फेस पे मैंने अपना क्रिस्टीन का लगाया, तो मेरी जो फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह है थोड़ी बहुत जो भी, सो फेस इतने उसको कवर कर ली, जबकि क्रिस्टीन ने उसको कवर नहीं किया। तो ये लाइट वेट है और ये और इसकी कवरेज जो है वो अच्छी है, ठीक है। फेस इसकी कवरेज अच्छी है, क्रिस्टीन की इतनी अच्छी नहीं है। अब मैं आपको इन दोनों को जो है वो ब्लेंड करके दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये किस टाइप का है, येलो अंडर टून में और ये पिंकिश टून का है, ठीक है। सो मैं आपको इन दोनों को जो है वो ब्लेंड करके दिखाती हूँ। गाइस इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ओवल ब्रश, ठीक है। इससे मैं आपको इसको ब्लेंड करके दिखाऊंगी और इन ओवल ब्रश सेट की जो है वो वीडियो, कंप्लीट सेट की जो कंप्लीट वीडियो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, लाजमी देखिएगा। ईजीली जो है वो इससे हो जाता है ब्लेंड और बहुत मज़े से आपका टाइम बचाता है और फटाफट इसको जो है वो ब्लेंड कर देता है, ठीक है गाइस। तो ये जो है ये क्रिस्टीन वाला जो है वो मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। ये क्रिस्टीन वाला ब्लेंड हो गया और ये आ गया फैसेट का, आप देख सकते हैं खुद। ये देख रहे हैं आप, ये क्रिस्टीन वाला सिर्फ यहीं की यहीं लगा, क्योंकि फैसेट वाला कितना ज़्यादा ब्लेंड हो रहा है, यानी कि कम क्वांटिटी में आपका ज़्यादा जो है वो जगह ये कवर कर रहा है। अभी आप खुद देख सकते हैं कि ये क्रिस्टीन फाउंडेशन की कवरेज है और ये फैसेट की कवरेज है। जब मैंने अपने फेस पे लगाया तो फेसेट ने अच्छे से सब कुछ कवर कर लिया, जबकि क्रिस्टीन ने नहीं किया, ये आप देख सकते हैं फ़र्क।
ये फेसेट है, ये क्रिस्टीन है, ये क्रिस्टीन का सिर्फ इतनी ही जगह पे ही स्प्रेड हुआ और बस खुश्क हो गया ब्रश, जबकि फेसेट ने इतना ज़्यादा जो है वो हाथ कवर किया है। ठीक है, सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था गाइस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो जो है गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं इसके ऊपर भी कवर करूँ तो ये अभी भी इसके ऊपर फैल रहा है, इसका फाउंडेशन अभी भी ब्रश पर मौजूद है, आप ये देख सकते हैं। क्रिस्टीन वाला कहाँ गायब हो गया कुछ पता भी नहीं चला, और ये पूरे हाथ पे फेसेट आ गया और आप देख सकते हैं फ़र्क कितना खूबसूरत है। ठीक है गाइस, सो ये थी मेरी अफोर्डेबल की, मैं आपको फुली रिकमेंड करूँगी फेसेट का अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, और इसके अंदर SPF भी मौजूद है जबकि क्रिस्टीन के अंदर SPF नहीं है। तो मैं अगर आपको इन जो है वो फाउंडेशन में से रिकमेंड करूँ तो मैं आपको फेसेट का ही रिकमेंड करूँगी, या आप इजीली जो है वो शादी पर भी कैरी करके जा सकते हैं, शादियों पर भी आप कैरी कर सकते हैं और नॉर्मल कैजुअल में भी आप इसको जो है वो कैरी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और मेरा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, सो ठीक है। सो या गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो सो मेक श्योर लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। दुआ में याद रखिएगा, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।